हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। रूहानी पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत वेलकम है। तो बच्चों, आज हम लोग जीके में चैप्टर 10th, जिसका नाम है ब्यूटीफुल फ्लावर्स, के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ये रेड वाली लाइन हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है। कहता है हेयर आर सम ब्यूटीफुल फ्लावर्स, कहता है यहाँ आपको नीचे कुछ बहुत ही खूबसूरत फूल दिया गया है। कहता है रीड द डिस्क्रिप्शन एंड राइट देयर नेम्स चूज फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। कहता है बताइए, डिस्क्रिप्शन में पढ़िए, ठीक है, और बताइए इस फूल का क्या नाम है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग। पॉइंट वन में कहता है कि दिस फ्लावर इज नोन फॉर इट्स यूनिक फ्रेगरेंस। द ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस फ्लावर इज यूज्ड इन परफ्यूम्स। कहता है यह फूल अपनी अनोखी खुशबू के लिए जाना जाता है। ओके, फिर कहता है इस फूल से निकाले गए तेल का उपयोग इत्र बनाने के लिए किया जाता है। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इस फूल का आकार जिस तरीके से दिख रहा है, आप लोगों को पता ही होगा, इस फूल का नाम है जैस्मिन। तो बॉक्स में भरेंगे जैस्मिन, तो आप लोगों को पता ही है कि जैस्मिन की खुशबू कितनी अच्छी होती है। जैस्मिन का इत्र भी मार्केट में मिलता है। ठीक है, पॉइंट टू में पढ़ेंगे। कहता है दिस ट्रम्पेट शेप्ड फ्लावर कम्स इन वेरियस कलर्स, इट ब्लूम्स इन स्प्रिंग। कहता है ट्रम्पेट के आकार का यह फूल विभिन्न रंगों में आता है, यह बसंत में खिलता है। जैसे ट्रम्पेट का आकार का जो फूल है वो बहुत कलर में आता है, ठीक है, और ख़ास तौर पे यह सिर्फ और सिर्फ बरसात के मौसम में ही खिलता है, जिसका नाम है लीली। बॉक्स में लीली भरेंगे। ओके, पॉइंट तीन में कहता है दिस इज स्मॉल फ्लावर विच अपीयर्स इन कलर्स रैंकिंग फ्रॉम ब्राइट पिंक टू प्योर वाइट। सम फ्लावर्स हैव अ सेंटर दैट रिजेंबल्स अ मंकी फिश। कहता है यह एक छोटा फूल है जो चमकीले गुलाबी से लेकर शुद्ध यानी कि प्योर वाइट तक के रंगों में दिखाई देता है। कहता है छोटा सा फूल है, इस फूल यह फूल जो है चमकीली गुलाबी यानी चमकीली गुलाबी से लेकर प्योर वाइट तक के रंगों में दिखाई देता है। ठीक है, फिर कहता है कुछ फूलों में एक केंद्र होता है, यानी कि ये जो फूल है कुछ फूलों में एक केंद्र होता है, पॉइंट होता है, जो उस पॉइंट में एक बंदर का चेहरा जैसा दिखाई देता है। ठीक है, इस फूल का नाम है बाबू पैंसी, PANSY। ठीक है, तो बॉक्स में भर लेंगे आप। पॉइंट फोर्थ में कहता है कि दिस ब्यूटीफुल फ्लावर इज नोन फॉर इट्स स्वीट फ्रेगरेंस, इट ब्लूम्स एट नाइट। कहता है पॉइंट फोर में कि यह खूबसूरत फूल अपनी मीठी खुशबू के लिए जाना जाता है और यह रात को ही सिर्फ खिलता है, यानी कि यह फूल जो है अपनी मिठास यानी मीठी खुशबू के लिए जाना जाता है और सिर्फ ये रात में खिलता है, जिसका नाम है ट्यूब रोज। ठीक है, TUBERROSE। ठीक है, पॉइंट फाइव में कहता है कि दिस फ्लावर इज शेप्ड लाइक अ सोसो एंड ग्रोज ऑन वाइन्स, इट ब्लूम्स इन द अर्ली मॉर्निंग। कहता है पॉइंट फाइव में यह फूल तश्तरी के आकार का होता है और बेलों पर उगता है, यह सुबह जल्दी खिलता है। ठीक है, यह फूल जो है तश्तरी यानी कि चौड़ा टैप का आकार का होता है और यह बेल जो होता है ना, बेलों पर उगता है। ठीक है, और इसका एक और पॉइंट ये है कि यह सुबह जल्दी खिलता है, ठीक है, जिसका नाम है मॉर्निंग ग्लोरी। ओके, पॉइंट सिक्स में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों दिस फ्लावर कम्स इन अ वेराइटी इन कलर्स, इट इज लार्जली यूज्ड फॉर डेकोरेटिव पर्पसेस। पॉइंट सिक्स में कहता है यह फूल विभिन्न प्रकार के रंगों में आता है, यह काफ़ी हद तक सजावटी उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है। बस समझ आई नहीं आई, फिर से। पॉइंट सिक्स में कहता है यह फूल बहुत प्रकार के रंगों में आता है। ठीक है, उसके बाद कहता है यह काफ़ी हद तक यानी ज़्यादातर इसका उद्देश्य फूल का जो होता है सजावटी में ही उपयोग किया जाता है, जिसका नाम है डहलिया।
ठीक है, भर लेंगे डी ए एच एल आई ए। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं ब्यूटीफुल फ्लावर्स के बारे में आप लोगों को बहुत ही अच्छे ये चैप्टर से गाइड कर दी गई है, समझा दिया गया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो रूहानी पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आपको मेरे ख़्याल से अच्छे तरीके से इस चैप्टर को बताया गया है, समझाया गया है। आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखिए, समझ नहीं आए दोबारा रिपीट करके देखिए। ओके बच्चों, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।